सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नफरत 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 और मिला क्या है कुछ इस देश से। साड़ी पार्टी वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसमें जहां कंगना रनौत इंदिरा गांधी के भूमिका में चमक रही है, वहीं अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, विशाख नायर और मिलिंद सोमन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर लोकतांत्रिक भारत के सबसे काले समय की झलक देता है। इसके अलावा यह आपातकाल भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, खालिस्तान आंदोलन और जेपी आंदोलन सहित कई विषयों को भी छूता है। इमरजेंसी के ट्रेलर में युवा इंदिरा के राजनीतिक में प्रवेश करते ही उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ते को दिखाया गया है। इसके बाद यह भी दिखाया जाता है कि वो अपने लंबे समय के करियर के दौरान युद्धों, राजनीतिक अशांति और बहुत कुछ संभालती है। वीडियो में कुछ धमाकेदार डायलॉग्स भी सुनाई देते हैं जिसमें इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक, राजनीतिक में कोई सगा नहीं होता। कई दमदार डायलॉग हमें ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर में डायलॉग्स तो काफी कमाल के है, साथ ही साथ खास बात यह है कि इस ट्रेलर के अंदर जो कंगना रनौत का परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत इंदिरा गांधी के अवतार में काफी बढ़िया लग रही है और उनका परफॉर्मेंस देखकर यही फील होता है कि इस बार फिर से वो नेशनल अवार्ड ले जाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर भी वो खुद है और कहीं ना कहीं ट्रेलर देखकर लगता है कि कंगना रनौत ने फिल्म भी काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट की है। तो दोस्तों, एज अ डायरेक्टर और एक्टर कंगना रनौत का काम काफी बढ़िया लग रहा है। लेकिन दोस्तों, बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर ट्रेलर में इंदिरा गांधी का डार्क साइड तो दिखाया है, वही मेकर्स ने उनकी अच्छाइयों को भी दिखाने की कोशिश की है। मतलब कि दोस्तों, ट्रेलर कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखता है जहाँ पर इंदिरा गांधी के जीवन काल में अच्छाई और बुराई दोनों हमें फिल्म में देखने को मिलेगी। हालांकि ट्रेलर में कुछ एक सीन्स ऐसे है जो कि पूरी तरह से कमाल के लगे। पहला इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच का संवाद, वही दूसरा सेम मेनेक्सो और इंदिरा गांधी के बीच के संवाद। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा लगता है कि फिल्म पूरी तरह से एक होलसम एंटरटेनमेंट हमें देने वाली है जहां पर हमें देश का काला इतिहास भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है कि ये मूवी ऑडियंस को एंड तक संभाल कर भी रखेगी। तो दोस्तों, ट्रेलर देखकर तो काफी बढ़िया लग रहा है जिसमें दमदार डायलॉग से बढ़िया स्टार कास्ट और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ट्रेलर सुपर डुपर हिट फिल्म की वाइब दे रहा है। अब देखते हैं जब यह फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है। हालांकि दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो ये कह सकता हूं कि ये मूवी कंगना रनौत के करियर की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म बन सकती है। बाकी दोस्तों, आपको इमरजेंसी का ये पावरफुल ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।